गुरुदेव के साथ मधुर मधुर संकीर्तन करते हुए आनंद लें। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे।
तुम्हारी जय होवे, केदारनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, भूतनाथ तुम्हारी जय होवे, मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे, जयनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, महादेव 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 तुम्हारी जय होवे, हरे हर महादेव, हरे समस्त संत समुदाय, समस्त विद्वत आचार्य वर्ग, समस्त ब्राह्मण समाज, परम पुनित मेला में परम पावन कल्याण कारिणी दुख निवारक शिव महापुराण की कथा का श्रवण, परम प्रिय भक्तों, मेरी मात्र शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा, धर्म भक्ति और शक्ति
मूर्त स्वरूप समस्त महिला समाज समस्त मनरा चंचल पथ पर नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं और इसी कथा को ब्रह्मलोक में नारद जी सुना रहे हैं और इसी कथा का सूत जी महाराज सुना रहे हैं। सोनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज ने कहा, मैंने तुम्हें भगवान शिव के शिवलिंग के विषय में, उनके पूजा के विषय में, रहस्य के बारे में, पूजा सामग्री के विषय में, उनकी विधिवत की जाने वाली पूजा का विषय में बताया, भगवान शिव के ग्रस्त जीवन का भी मैंने वर्णन किया और कैसे कैसे राक्षसों को मार करके राक्षसों का भी उद्धार भगवान शिव ने किया। हे ऋषियों, मैंने सारी कथाएं तुम्हें श्रवण करा दी, अब मैं तुम्हें भगवान के अवतारों की कथा सुनाता हूं। जिन अवतारों की कथा को सुने बिना और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को सुने बिना और भगवती के चरित्र को श्रवण किए बिना शिव महापुराण का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त नहीं होता। जो भी भक्त अपने परिवार सहित, रिश्तेदार सहित प्रेम और श्रद्धा के भाव से आज इस विश्राम के दिन 11 रुद्र अवतार की कथा, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा और भगवती के चरित्र का वर्णन श्रवण कर लेता है, उसे पूर्ण रूपेण शिव महापुराण की पूरी कथा का स्वतः ही फल प्राप्त हो जाता है और जो भी उसकी कामना मन में होती है समस्त कामनाएं भी उनकी पूर्ण हो जाती है। इसलिए हे ऋषियों, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वैसे तो भगवान के अनेक अवतार हैं, अगर उन सभी अवतारों का हम वर्णन करने लगे तो कई महीने बीत जाएंगे। सत्योजात अवतार, वामदेव अवतार, तत्पुरुष अवतार, अघोर अवतार, ईशान अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास जी महाराज का अवतार, बहुत अवतार है। और इन अवतारों में जो अश्वत्थामा अवतार है, क्या बात है, वह अवतार भी भगवान शिव का। सुना होगा आपने महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में अश्वत्थामा ने जन्म लेकर महाभारत में अपने नाम को करते हुए गुरु द्रोणाचार्य का सम्मान बढ़ाया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या के समय भगवान शिव को प्रसन्न किया और जब शिव प्रकट होए तो उनसे एक ही वरदान मांगा कि आप मेरे यहां सुंदर पुत्र रूप में प्रकट हो जाए। भगवान शिव उन्हीं के दिए गए वरदान के कारण ही अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया और इस अश्वत्थामा अवतार को ऐसा
ऐसा वरदान था कि वो चिरायु रहे, मृत्यु नहीं होती। शायद आप सनातन धर्मी हिंदुओं को ज्ञान हो या न ज्ञान, पर मैं आज आपको एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, इसका रिपीट कम कर। अश्वत्थामा आज भी कलयुग में है, उनकी मृत्यु नहीं हुई, अदृश्य रूप में वो घूमते हैं। भगवान के और भी अनेक अवतार हुए और सभी अवतारों की एक एक कथा को अगर सुनेंगे, महानंदा वैश्या की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वैश्वनाथ नामक अवतार लिया, जिससे उन्होंने उस वैश्या का उद्धार किया। धन बहुत अवतार है जिनका नाम लेते लेते ही बहुत समय लग जाए, उनकी कथा को सुनने के बाद बहुत समय लगेगा। इसलिए धर्म ग्रंथों ने, संतों ने कहा, जो 11 रुद्र अवतार की कथा को केवल सुन लेता है उसे समस्त अवतारों की कथा का फल प्राप्त। आइए मैं उन 11 रुद्र अवतारों की कथा, चूंकि आज का विश्राम का समय है, पहला दिन और आखिरी दिन, बहुत कम समय मिलता है कथावाचक को कथा करने, और यह भी आपको बता देना चाहता हूं, शिव महापुराण की कथा 11 दिन में होती है। इसको ठीक कर दे, ये भाभी क्यों नहीं कर रही, नौ दिन में राम कथा होती है और 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण होता है। लेकिन आजकल टीवी के चलन के कारण, क्योंकि आज लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से हम जैसे अनेक वक्ताओं की वाणी को घर बैठ के श्रवण करते हैं, और टीवी के माध्यम पर आने वाले वक्ताओं को ही विशेष माना जाता है, जबकि भारत में जो टीवी पर नहीं आ रहे हैं वो हमसे भी कहीं बहुत गुणवान, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। लेकिन आज कलिकाल के भक्तों की बुद्धि का एक सुंदर प्रकाष्ठा हो गई है, बोले जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए मजबूरन आज के वक्ताओं को टीवी पे आना मजबूरी हो गया। और ये भी बता दूं, कई कई लोगों की ये मानसा है कि टीवी में महाराज को फ्री दिखाया जाएगा, टीवी में बहुत पैसा लगता है, एक कथा को चलाने में इतना पैसा लग जाता है कि उस पैसे से बड़ी कथा और हो सकती है। लेकिन टीवी वालों का भी बहुत बड़ा खर्च है, लिहाजा उनके सामने भी मजबूरी है, सोशल मीडिया पर भी पैसा खर्च होता है। इसलिए आज टीवी पर हर कथावाचक आने के लिए लालायित है, जिसके कारण इस कथा को 9 दिन से ज्यादा टीवी चैनल पर चलाने का कोई भाव नहीं है। टीवी वाले तो चाहते कि महाराज केवल 2 घंटा कथा करें और 7 दिन से ज्यादा ना बोले, क्योंकि हर व्यक्ति का
इसलिए मजबूरी में 9 दिन की कथा शिव पुराण की होने लगी है। एक समय था जब दोनों समय कथा होती थी। वास्तविकता में सच्ची कथा का स्वरूप एक दिन में 2 समय कथा होनी चाहिए। सूर्य उदय के बाद 3 घंटा कथा हो और सूर्य छिपने से पहले पहले 3 घंटा कथा। बीच का समय विश्राम का होता है, जिसमें फलहार भोजन आहार करके व्यक्ति थोड़ा विश्राम कर ले फिर कथा सुने। वास्तविकता में नियम तो यही है, लेकिन शास्त्र ये भी कहता देश काले च पात्र च। आदमी कोई गाड़ी के बिना न चलता हो तो कभी कभी गाड़ी खराब हो जाए, फंस जाए, तो उसे रिक्शे में भी चलना पड़ता है, और जहां रिक्शा भी ना मिले तो पैदल भी चलना पड़ता है। इसीलिए 9 दिन की कथा में शिव पुराण को विशेष रूप से, यद्यपि मैं पूरा प्रयत्न करता हूं कि पूरी शिव पुराण आपको जितना समय मुझे मिले सुनाऊं। यहां टीवी के साथ साथ समितियों की भी हमें कुछ सुनना पड़ता है। पहले दिन शोभा यात्रा में देरी हो जाती है, फिर समिति निवेदन करती, महाराज आज थोड़ी सी कथा कर दो, बहुत देर हो गई लोगों को। और आखिर दिन फिर निवेदन करती कि आज जरा जल्दी समाप्त कर देना, हमें भी सम्मानित करना है। तो समझ लिए जी कि असली में तो कथा का समय हमें मात्र 9 दिन में 7 ही दिन मिलता है। इसलिए फिर भी मैंने प्रयत्न किया, बहुत सारी चीज शायद रह सकती है, इसलिए आप YouTube पर महंत राधेश्याम महाराज डाल करके पूरे 11 दिन की कथा का उसमें श्रवण कर सकते हैं। फिर भी मेरा प्रयत्न है कि कोई बात छूटे नहीं। पहले अवतार का नाम है गृहपति अवतार, और ये गृहपति अवतार भगवान शिव का प्रथम अवतार है। अगर कागज पेन लाए हैं तो इन 11 रुद्र अवतारों का नाम अपनी कॉपी में लिख लें, मोबाइल में लिख लें, क्योंकि जो रोजाना व्यापारी इन 11 रुद्र अवतारों के नाम को स्मरण करके, 1 सेकंड लगेगा 11 नाम लेने, और 12 ज्योतिर्लिंगों की, 11 रुद्र अवतार और 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर जो पुरुष अपने व्यापार के लिए या नौकरी के लिए घर से निकले और 11 नाम रुद्र अवतारों का ले ले, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले ले, तो 100% संतों ने गारंटी दी है कि उस व्यक्ति का घर से बाहर निकल करके जो भी कार्य है वो कार्य निर्विघ्नता से नए बनने वाला कार्य भी बने। कोई अटकल नहीं आएगी, कोई घटना नहीं घटेगी, और स्त्रियां भी सुबह जैसे ही स्नान करके घर के काम में लगे, तब पहले भगवान की पूजा के बाद या सूर्य को अर्घ देने के बाद इन 11 रुद्र अवतार का नाम और 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम अवश्य मुख से बोले, तो घर में सुख संपत्ति शांति आनंद वैभव की प्राप्ति होगी। इसलिए आप इनका नाम लिखें। समय के अभाव में मैं बहुत सूक्ष्मता से आपको 11 रुद्र अवतार 12 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करा रहा हूं, फिर भी सूक्ष्म में भी आप समझने का प्रयास करना। नर्मदायास्तटे रम्ये पुरे नर्म पुरे पुरा पुरारी भक्त पुण्यात्मा भवदी विश्वानर मुनि।
नर्मदा नदी के किनारे पर नरमपुर नाम के गांव में वैश्वानर नाम के महात्मा रहते थे, ग्रस्त महात्मा थे और ग्रस्त में ही संत स्वयं जीवन का कल्याण कर सकता है। आज हम ग्रस्त को बहुत बोझ समझते हैं, भार समझते हैं। कई बार तो लोग हमें कह देते हैं कि महाराज ग्रस्त में फंस गए, वरना तो हम भी सन्यासी बन जाते, महात्मा बन जाते तो यह जंजाल नहीं होता। गोसाई जी ने भी लिखा, करे कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। पर मैं इस माध्यम से आपको चेतराना चाहता हूं, वेदों ने, शास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों ने, संतों ने चार आश्रमों में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई आश्रम बताया है तो ग्रस्त आश्रम बताया है। ग्रस्त आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं, और जितना सुख इस ग्रस्त आश्रम में हमें प्राप्त हो सकता है, इतना वानप्रस्त और संन्यास में भी नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्त आश्रम और संन्यास आश्रम भी इसी ग्रस्त के द्वारा पैदा होता है, ग्रस्त से ही जन्म होता है। धन्यवाद। जितने सन्यासी हुए हैं गृहस्थ आश्रम में ही, प्रेम भावना के साथ में हर आश्रम इसी गृहस्थ आश्रम से पैदा होता है, इसी गृहस्थ आश्रम से उसका पालन होता है। जितने आश्रम सन्यासियों के हैं, ब्रह्मचारियों के हैं, वानप्रस्थियों के हैं, सच बताओ वो आश्रम ग्रस्थियों की वजह से चल रहे हैं कि अपने आप चल रहे हैं? ग्रस्थियों ग्रस्थियों। इसीलिए भगवान ने भी जब अवतार लिया, चाहे श्री राम का अवतार लिया हो, चाहे परशुराम का अवतार लिया हो, चाहे वो किसी रूप का अवतार क्यों न लिया हो, उन्हें भी ग्रस्त आना, ग्रस्त आश्रम में ही आना पड़ा। और भगवान राम को भी ग्रस्त आश्रम अपनाना पड़ा, कृष्ण भगवान भी ग्रस्त आश्रम अपनाते हैं, भगवान शिव भी ग्रस्त आश्रम अपनाते हैं, गणेश जी भी ग्रस्त आश्रम को अपनाते हैं, कुछ संत और देवता हनुमान जी नारद आदि जैसे ऐसे ग्रंथ है जी भीष्म पिता में जो संत ऐसे हैं जिन्होंने तपस्या के कारण विवाह नहीं किया। लेकिन जितने संतों के भी आप नाम लेंगे, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि जितने भी नाम ऋषियों के लेंगे वो सारे ही ग्रस्त जीवन के हैं। बस इस ग्रस्त जीवन के दो रूप हैं, केवल आपने इस ग्रस्त जीवन को भोग की सामग्री बना ली, संसार के सुख साधन के प्रयोग की सामग्री बना ली, विषय वासनाओं की सामग्री में ही केवल लिप्त रहे, तो ये ग्रस्त आपका परम दुखदायी हो जाएगा। लेकिन इस ग्रस्त को ग्रस्त के भोग के साथ परमात्मा और धर्म के योग के साथ मिलाकर जब दोनों का संयोग हो जाएगा तो आपके जीवन का हमेशा हमेशा के लिए ग्रस्त में ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए ग्रस्त जीवन में हमें केवल प्रातः काल से रात्रि को शयन करते समय अपनी जिंदगी का प्रतिदिन का टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। अगर आपका टाइम टेबल नहीं है, कितने बजे हमें उठना है, उठकर के क्या करना है,
इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। अगर आपके जिंदगी का टाइम टेबल बन गया, समय के अनुसार आपने हर कार्य को किया, भगवान ने प्रत्येक गृहस्थी को गृहस्थ के कार्य का समय दिया, पहला कार्य उठने का दिया है, लेकिन आज हमें उठना भी नहीं आता,